लाउडस्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। आज मुंबई में राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर राज उद्धव सरकार पर लाउड रहे, तो साथ ही अपने मराठी मानुष छवि से इतर आज उन्होंने हिंदी में मीडिया से बातचीत की है। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। याचना नहीं अब रण होगा, कुछ इसी अंदाज में आज राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है। कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मराठी मानुष का झंडा बुलंद करने वाले राज ठाकरे के निशाने पर आज चचेरे भाई उद्धव ठाकरे हैं। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा। जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। लाउडस्पीकर विवाद पर अपनी दलील को धार देने के लिए राज ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो भी ट्वीट किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्यात बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील बंद। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के भाषण को याद किया तो शिवसेना भी राज ठाकरे को हिंदुत्व की परिभाषा समझाने लगी। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। पिछले महीने से ही राज ठाकरे महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आक्रामक रहे हैं और उन्होंने ईद के बाद 4 मई को अजान के जवाब में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। 3 मई महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजे। राज ठाकरे के इसी ऐलान को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज सुबह जमीन पर भी उतार दिया। ये मुंबई के चार कोप इलाके की तस्वीर है। जहां हाथों में भगवा झंडा लिए एमएनएस का कार्यकर्ता खड़ा है, सामने मस्जिद नजर आ रही है। मस्जिद की तरफ से अजान बजती है तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की गूंज भी तेज हो जाती है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज महाराष्ट्र में कई जगहों पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की। मुंबई लोकल में भी आज बजरंग बली की धुन सुनाई दी। कई जगहों पर मुंबई पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लाउडस्पीकर्स पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई पर भी राज ठाकरे का गुस्सा फूटा। सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर, मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? ABP News आपको रखे आगे।